हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंड पे हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कस किया था और उसके फॉर्मूले एक्सप्लेन करे थे। तो पोटेंशियल इज, यदि हम कॉमन तरीके से इसको समझें, जैसे हम बोलें कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब वाटर लेवल इज हाई एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज हाई, वाटर लेवल इज लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज लो। व्हेन वी ज्वाइन दीज टू पॉट्स और सब्सटेंस, देन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम एज जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि हाउ टू फ्लो द टेम्परेचर, हाउ टू फ्लो द हीट, तो उसको हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि वैन अ बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड अनादर इज एट लोअर टेम्परेचर, then we joined these two, then heat is transferred from higher temperature to lower temperature. It does not depends on quantity of heat. ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस बॉडी को हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस बॉडी को हीट दे रहे हैं, उसके पास हीट ऑलरेडी काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू जहां से हम हीट दे रहे हैं। जो बॉडी हीट दे रही है उसके पास हो सकता है कि हीट कम हो, बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। जैसे हम बोले कि 1 लीटर बॉइलिंग वाटर को यदि हम 20 लीटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है उसमें यदि हम मिलाते हैं, तो 20 लीटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 1 लीटर ऑफ वाटर। देन वी मिक्स दिस टू, देन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर टू द लोअर टेम्परेचर टू द वाटर विच इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो टोटल क्वांटिटी उसके पास ज्यादा है फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। सेम एज करंट और करंट ट्रांसफर इज डिपेंड्स, मतलब फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। एक बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है, दूसरी बॉडी का पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल इज कंसिडर एज लेवल ऑफ चार्ज। जैसे वाटर लेवल से हमने उसका कंसीडर किया था कि हाई वाटर लेवल है तो लो वाटर लेवल तक उसका वाटर फ्लो होता है, सेम एज हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि लेवल ऑफ चार्ज इज हाई इन वन बॉडी एंड लो एट द अनादर बॉडी, देन वी ज्वाइन दीज टू, देन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। लेवल मीन्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हायर लेवल मीन्स जैसे हम बोलें कि छोटे पॉट को जब हम कोई पानी भरते हैं तो कम पानी में उसका लेवल बढ़ जाता है, सेम एज यहां पर भी किसी कंडक्टर को, जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले लें कि दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड अनादर स्फीयर ऑफ रेडियस 2R and quantity of charge Q and Q given these two spheres, both the spheres are of same material, and when we join these two with a conducting wire, the current starts flowing from A to B. Current is flowing from A to B because Q, surface area of Q of the sphere of small r radius is less in comparison to the 2R because surface area is 4R square. तो जिस छोटे बॉडी का को भी हमने उतना ही चार्ज दिया जो जितना की बड़ी बॉडी को हमने दिया है, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा A बॉडी का। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि सरफेस एरिया जिसका कम है उससे सेम चार्ज से उसका पोटेंशियल ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम कहें कि भाई एक छोटी ट्यूब में 1 लीटर पानी डालें तो उसका लेवल बढ़ जाएगा और बहुत बड़े टब में 1 लीटर पानी डालें तो उसका लेवल काफी कम होगा। तो इसको भी हम इसी तरह समझ सकते हैं कि पोटेंशियल इज द लेवल ऑफ चार्ज। एक्चुअल डेफिनेशन तो हमने आपको पहले उसमें समझा ही दिया कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो तो हमने आपको समझा दी। यदि कॉमन सेंस में हम बात करें तो हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कंपेयर करके समझ सकते हैं।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द लेवल. तो सेम एज यहाँ पर भी हम इसको बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ चार्ज ए बॉडी का ज़्यादा है तो पोटेंशियल भी उसका ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सरफेस एरिया कम है तो सेम चार्ज से यहाँ पर उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा. एंड बी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उतना ही चार्ज उसके लेवल को उतना इंक्रीज नहीं कर पाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक ले लीजिए. ये मैंने आपको पहले शायद बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिमेंस एट हायर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑलवेज रिमेंस एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी ऑलवेज रिमेंस एट लोअर पोटेंशियल. जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब हम आ जाते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस. इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम जाएं तो वहां पर पोटेंशियल इक्वल होगा. इट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेंस जीरो. तो दिस द फर्स्ट पॉइंट एट ईच पॉइंट ऑन दिस सरफेस पोटेंशियल रिमेंस इक्वल. इट मींस पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेंस जीरो. दैट इज वी बी माइनस वी ए इक्वल टू जीरो बिकॉज वी बी इज इक्वल टू वी ए. इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा. पोटेंशियल इक्वल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो बिटवीन टू एनी टू पॉइंट्स. एंड थर्ड पॉइंट विल बी वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज रिमेंस जीरो बिकॉज वी नो दैट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू जीरो एंड वी बी माइनस वी ए रिमेंस जीरो. सो डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू इज ऑल्सो जीरो विच इम्प्लाइज डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो. वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑलवेज रिमेंस जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड फोर्थ पॉइंट ई वेक्टर will be equal to minus dv by dr. E is equal to minus dv by dr or dv is equal to minus e dr. Here e dot dr होता है, dot product होता है actually because e and dr both are the vector quantity or we can write dv is equal to minus e vector dot dr vector. So here because equipotential surface dv is zero, change in potential is zero at each and every point and it will be because minus e dr cos theta and theta is equal to 90 degree. So e dr cos 90 equal to 0 which shows that the electric field intensity always remains perpendicular to the displacement vector at equipotential surface. Now come to the current electricity. Branch of physics which deals with the study of the kinetic charge, or we can say which deals the study of the electric charge in motion and their effect is known as current electricity. The current अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि when charge remains stationary then that part of electricity is called static electricity.
in which we study the properties and interaction between the stationary charges. And in this part, charge remains in moving condition, and moving charge is considered as electricity, and rate of flow of charge is called electricity. मतलब यदि हम quantity उसके formulation के बारे में बात करें कि उसका numerical value क्या होगी, तो हम rate of flow of charge से उसको define करते हैं. It means कि current electricity equal to the charge upon time. But electricity current electricity को हम केवल ऐसे define कर सकते हैं कि जब charge किसी particular direction में move करता है तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. लेकिन जब क्वांटिटी हम उसमें बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. It means current electricity I is equal to the quantity of charge flowing in per unit time from any cross section of the wire, and I is equal to Q by T. If there are n electrons are present in this charge, then Q is equal to N E on I will be equal to N E by T. इसको हम different substance के लिए भी define कर सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई electrolyte है, any electrolytic solution for example like NaCl sodium plus ions and Cl minus ions are there, and from any cross section positive ion and negative ion are crossed in time t, let Nn ions are crossed in time t, then the current will be I is equal to N into E plus N into E divided by t. Sodium के भी N ions pass through होते हैं और at any cross section, और chlorine के भी N ion pass through होते हैं, तो total charge उनके sum के बराबर होगा. वन आयन के ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल कंसीडर होगा, बिकॉज इट इज प्लस वन एंड माइनस वन. तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इनटू 10^-19. तो करंट विल बी आई इज इक्वल टू 2NeT, एंड हियर ई will be equal to 1.6 into 10^-19 coulomb. How the current flow in a wire, and what is the direction of current electricity? How the current flows if there is no any external electric field on the conducting wire. Let we consider a conducting wire in which all the electrons are flowing zigzag formation, कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है. एंड इन दिस सिचुएशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस जीरो,
of all the free electrons. Remains zero due to the erratic motion. So current, there is no current in the circuit. Current will also be zero. किसी भी कंडक्टर में एवरेज 10^28 or 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब कंसीडर किए जाते हैं. अप्रोक्सीमेटली इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अच्छे कंडक्टर में, जैसे हम कॉपर सिल्वर या एल्यूमिनियम उनको कंसीडर करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. बट कॉपर को हम जनरली यूज करते हैं कि इतना कॉस्टली नहीं होता और अवेलेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा है. How to conduct the electricity in any conductor? To in absence of electric field, all the electrons are move in zigzag motion or random motion. So average velocity becomes zero. So there is no any current in the wire or circuit. यदि हम इसको किसी external electric field से attach करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका एक रिजल्टेंट वेलोसिटी हमको फाइंड होता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन. So average velocity against the electric field हमको कुछ available होगी. When we apply the external electric field, it means हम किसी conductor को जब हम किसी battery से या किसी electric source से attach करते हैं, connect करते हैं, all the electrons are attract towards the positive electrode. तो सारे electrons aligned होते हैं और उस direction में हमको करंट अवेलेबल होता है. यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द कन्वेंशनल करंट ऑलवेज कंसिडर इट पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड बट इलेक्ट्रॉन करंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो कन्वेंशनल करंट हम इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट एक्चुअली जो होता है वो हम पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑलवेज रिमेंस एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिमेंस एट लोअर पोटेंशियल एंड करंट फ्लोइंग ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो हम इसमें करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ देते हैं. यहाँ पर और कंसिडरेशन हम कर सकते हैं कि एक्चुअली हमने ये माना है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड अलाइंड होते हैं. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. इस डायरेक्शन में हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलती है एंड दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसका अपन यहाँ छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि विदाउट एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लिया इनका मोशन इस तरीके से हो रहा था. जब कॉलिजन होता है तो इनका डायरेक्शन चेंज होता है. वेन वी अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो यहां की स्थान पे कहीं इस जगह पे ये आ जाएगा. फिर यहां से इसका मोशन हो रहा है मान लो इधर, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां से थोड़ा सा कहीं आगे होगा ये, फिर ये इस जगह पर आएगा देन कैम टू हियर एंड फाइनली टू हियर. तो देयर विल बी सम रिजल्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये जो हमने इस कलर से शो किया है इसको, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो आ रही है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी.
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी इन द अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. द रिजल्टेंट वेलोसिटी विदाउट या इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स जीरो, बट व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सम रिजल्टेंट वेलोसिटी इज फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन करंट तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कंसिडर करते हैं और करंट जो होता है जो कन्वेंशनल करंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हमको फाइंड आउट होती है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाई वी डी. एंड इट्स वैल्यू रिमेंस इन द रेंज वी डी इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. व्हाइल द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जिगजैग मोशन remains approximately 10⁵ meter per second. It is very high in comparison to the drift velocity. तो drift velocity की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे electrons aligned हो जाएं. वो एक हम समझने के लिए बच्चों को बताते हैं कि all the electrons are aligned after applying the electric field, then it is considered as a electric current. तो वो अलाइनमेंट एक्चुअली हम उसके रिजल्टेंट वेलोसिटी को शो करते हैं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में उसके हमको फाइंड आउट होती है इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वेंशनल करंट को अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन करंट कंसिडर करते हैं.